This meeting is being recorded. जी सर, हो रही है क्या मेरी स्क्रीन शेयर? नहीं, आपकी स्क्रीन अभी नहीं, आपकी स्क्रीन अभी शो नहीं। ओके होगी तो आप बताइएगा। ठीक है, जरूर ठीक है, जरूर। Am I visible now? तो अभी तक नहीं है, तो अभी तक नहीं है। जी हो रही, हो रही, हो रही, हो रही, हो रही, हो रही, हो रही है। चलो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले अपना बता दूं, मेरा नाम सबा है, मैंने BS किया है कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। और अब जो बेसिकली हमारा मकसद है यहाँ पे, वो क्या है कि हमने डिस्कस करना है PMS के सिलेबस को, ठीक है। PMS का आज चूंकि फर्स्ट डे है हमारा, तो हम आज पहले देखेंगे कि जो है वो PMS का जो है वो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस कितना है, उसको हमने कहाँ से प्रिपेयर करना है, किस किस तरह से प्रिपेयर करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप देखें कि आप लोगों में से जो भी स्टूडेंट्स है, अगर आप लोगों ने PMS के लिए अप्लाई किया हुआ है, इस बार अगर आपने अटेम्प्ट देना है इसका, तो आपको पता होगा कि ऑब्वियसली आप लोगों के पास डिग्री भी कोई ना कोई कंप्यूटर साइंस की होगी, BS होगी, किसी की MSc होगी, ठीक है। तो आप लोगों को इस चीज़ का अंदाजा होगा कि इसका सिलेबस कोई थोड़ा सा नहीं होता। अगर मैं इसको सम अप करूँ ना कि PMS का जो है वो सिलेबस कितना है, या PMS या CSS दोनों ऑलमोस्ट सेम है, कुछ दो चार टॉपिक्स जो है वो आगे पीछे हैं, ठीक है। तो इसका सिलेबस ये होता है कि जितना भी हमने पढ़ा होता है ना अपने BS की डिग्री में या MSc की डिग्री में, 4 साल पूरे जो हमने लगाए होते हैं ना, आप कह लें कि वो सारा सिलेबस जो है ना वो इन्होंने उठा के FPSC और ये PPSC वाले है ना, ये हमारे सिलेबस में डाल देते हैं, ठीक है। ये हमें कहते हैं कि आप सारा जो है ना वो सिलेबस प्रिपेयर कर लें पेपर के लिए। तो अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे लेके चलते हैं। PMS और CSS है ये इस तरह का होता है कि हमें इसमें थोड़ी सी जो है ना वो हार्ड वर्क तो चाहिए चाहिए होती है, लेकिन स्मार्ट वर्क से भी थोड़ा हमें काम लेना पड़ता है, तब हम इसको जो है वो क्रैक कर पाते हैं, ठीक है। तो अब हम पहले इसका ना सिलेबस मैं आपको दिखाती हूँ। इस ईयर जो है ना वो इन्होंने जो है वो थोड़ा सा सिलेबस को जो है वो रिवाइज किया है PMS का, ठीक है। लास्ट ईयर जब 2021 में इनका पेपर हुआ था, तो तब इसमें थोड़ी सी चीजें डिफरेंट थी, अब इन्होंने थोड़ा सा इसको डिफरेंट किया। आप लोगों को ये स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है? यस मैम। कोई यस मैम। ओके अच्छा, अब आप लोग देखें यहाँ पे ये है सिलेबस हमारा PMS का, ठीक है। इसके इतना तो आप लोगों को पता होगा, इसके दो पार्ट्स होते हैं, पेपर वन पेपर टू, टोटल 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। जो पेपर वन है ना, इसमें क्या है कि इन्होंने तीन सेक्शन बनाए हुए हैं, सेक्शन ए बी और सी, ठीक है। और इन दोनों सेक्शंस के अंदर मजीद इन्होंने सब सेक्शंस बनाए हुए हैं। अब ये जो सब सेक्शंस हैं, इनकी इन्होंने डिवीजन किस तरह से किया, ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है, ठीक है। देखिए इसमें क्या इन्होंने लिखा हुआ है, पहला जो है वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग है, दूसरा उसका है प्रोग्रामिंग सॉल्विंग टेक्निक्स। अपना जो माइक है वो काइंडली ऑफ कर दे ताकि डिस्टॉर्शन ना हो, ये ख्याल ज्यादा। आप जो है वो अपना माइक ऑफ कर दे। अच्छा अब देखिए कि जो पहला पार्ट है ना, इसमें उन्होंने लिखा है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। अब इसके अंदर इन्होंने ये इतने ज्यादा सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ठीक है, आप लोगों को ये विजिबल है। नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, बूलियन लॉजिक है, इस तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। सेम ऐसे प्रोग्रामिंग सॉल्विंग टेक्निक्स है, इसमें भी इन्होंने डिफरेंट टॉपिक्स के नाम लिखे हुए हैं। सेक्शन बी में इसी तरह से है, सेक्शन सी में इसी तरह से है, डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। जो बेसिक इन्होंने टॉपिक का एक नाम जिसको मैंने बोल्ड करके लिखा है ना, हमारा फोकस होना है इस चीज पे,
कि हमने इसको कैसे लेके चलना है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग है ये जो पूरा पार्ट है, ये आप लोगों का बिलोंग करता है थ्योरी पार्ट है। मतलब आप इसको ऐसे समझ लें कि जैसे हमने जस्ट किसी चीज पे कोई नोट लिखना है, ठीक है। अब नोट किस तरह से है कि जैसे इसमें आप डिफरेंट चीजें देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास डेफिनेशंस होंगी, हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री कंप्यूटर की क्या है, हमने सिंपल उसकी जो है वो हिस्ट्री उसको पढ़ के वो थ्योरेटिकली उसको जो है वो कर देना है। प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स है, इसमें भी हम डिफरेंट जो है वो डेफिनेशंस डेफिनेशंस जैसे देखेंगे। इसके अलावा ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट है, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको पता है एक बहुत वास्ट फील्ड है, लेकिन थ्योरेटिकल इसमें ज्यादा चीजें होती है। हम इसमें वही डिफरेंट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इनकी डेफिनेशंस देखते हैं, उनकी टाइप्स देखते हैं, उनकी एग्जाम्पल्स देखते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स का इसमें पार्ट है, तो इसमें भी हम मतलब ये पूरा जो फर्स्ट पार्ट है इन शॉर्ट ये हमारा है थ्योरेटिकल, हम इसको कवर करेंगे एज अ थ्योरी पार्ट के तौर पर। अब ये जो मैं कह रही हूँ कि थ्योरी पार्ट का है, इससे क्या मुराद है, मैं आप लोगों को पहले एक पेपर दिखाती हूँ पीएमएस का, जो भी लास्ट टाइम आया था। ये है पेपर पीएमएस 2021 का, ठीक है, कंप्यूटर साइंस का पेपर, ये पेपर वन है, ओके। इसमें अब आप देखें, मैंने अभी आप लोगों को सिलेबस आया कि उसका सेक्शन ए है, सेक्शन बी है और सेक्शन सी है। तो ये जो है उस पेपर का सेक्शन ए वाला पार्ट है, ठीक है। अब इसमें आप देखिए क्वेश्चन नंबर वन ये लिखा हुआ है, ठीक है। पहले तो ये कि हमें टोटल 5 questions इसमें मिलते हैं, ठीक है, पेपर में, और हमने जो है वो सॉरी टोटल हमारे पास 8 questions होते हैं, लेकिन जो हमने अटेम्प्ट करना होता है ना वो होते हैं 5, ठीक है, और हर क्वेश्चन जो है वो 20 marks का होता है। तो इस तरह से इसमें एक फायदा हमारे पास ये है कंप्यूटर साइंस में कि इसमें हमें एज अ होल वो एक क्वेश्चन नहीं दे देते कि आपने जो है वो पूरा 20 marks का एक क्वेश्चन है और आपने उसको अटेम्प्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे कुछ सब्जेक्ट्स में होता है इस तरह से कि वो एक कंप्लीट एक क्वेश्चन दे देते हैं कि आप ये 20 marks का क्वेश्चन और आप इसी को जो है वो सॉल्व करें। अब उसमें कुछ हमें अगर वो ना आता हो तो हमारे लिए ये नुकसान होता है कि वो एज अ होल हमें आता ही नहीं, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर साइंस में हमें ये फायदा है कि वो इसके पार्ट्स बना देते हैं, हर क्वेश्चन के लास्ट में उन्होंने पार्ट्स बनाए होते हैं, चाहे दो बना दे, कम से कम वो 2 parts बनाते हैं और मैक्सिमम वो 4, 5, 6 वो इस तरह से डिफरेंट उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। उससे ये होता है कि अगर हमें एक क्वेश्चन कम्प्लीट नहीं भी आता, चले फॉर एग्जाम्पल, तो हम क्या करते हैं, हमें उसके कुछ पार्ट्स आते हैं तो हम उसको इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं कि चलो पहले हम उस पेपर को एटलीस्ट क्रैक तो कर लेना, क्योंकि बेसिकली हमारा मकसद सबसे पहले ये होता है जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं, जैसे सीएसएस है, पीएमएस है, तो हमें पहले ये देखना होता है कि क्या हम उसको पास किस तरह से करेंगे, ठीक है। जब हम इतना कर लें कि हाँ हम उसको पास कर सकते हैं, उसके बाद हम इस चीज पे जाते हैं कि अब हमने उसमें अपना मेरिट किस तरह से बनाना है, हमने टॉप लिस्ट में किस तरह से आना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो इसीलिए जो हम जो कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन करेंगे वो भी इसी तरह से करेंगे कि हम सबसे पहले इतना करेंगे कि हम पास हो जाएं उसमें, ठीक है। उसके बाद हम इस पे ऐसा वर्क करेंगे कि हम टॉप लिस्ट में आए। मैक्सिमम ये होता है कि अक्सर जो है वो स्टूडेंट्स वो ही इसको चूज करते हैं जिनकी अपनी फील्ड होती है कंप्यूटर साइंस की, ठीक है। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी फील्ड नहीं होती कंप्यूटर साइंस की, मतलब उनकी डिग्री नहीं होती, लेकिन फिर भी वो इस साइड पे आ जाते हैं। तो अगर तो जिनकी फील्ड है यही, जिन्होंने इस पे मास्टर्स किया हुआ है या ग्रेजुएशन की हुई है, तो उनके लिए तो फायदा है कि उनको इसके काफी कंसेप्ट जो है ना वो पहले से आते होंगे, ठीक है। खैर ये एक अलग बात है। अब जो हम पेपर को देख रहे थे वो ये है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन है, इसके इन्होंने 3 parts बनाए हुए हैं और उसकी मार्क्स की डिवीजन भी उन्होंने दी हुई है कि जो ए वाला पार्ट है वो अगर हम सॉल्व करें तो हमें 8 marks मिल जाएगा, बी करे तो 5, सी करे तो 7, इस तरह से ओवरऑल हमें 20 marks। अब फॉर एग्जांपल कि हमें ये दरमियान वाला बी वाला पार्ट नहीं भी आता तो हम 8 और 7 मतलब ए और सी पार्ट है इसको सॉल्व कर ले तो एटलीस्ट हमारे कुछ मार्क्स तो इसमें से बन जाएंगे ना, तो 15 marks एटलीस्ट बन जाएंगे, तो इतना भी काफी है अगर हम इसको जस्ट पास करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पहले देखे तो। अब ये देखिए पहला ए पार्ट है इसका, कन्वर्ट डेसिमल नंबर इंटू बाइनरी नंबर सिस्टम। अब आप देख सकते हैं कि ये आया है कौन से टॉपिक से, नंबर सिस्टम से। ये जो फर्स्ट वाला है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, इसमें पहला ही आप देखें नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है, ये पहला ही यही टॉपिक है। तो इसका मतलब है कि पेपर बनाने वाले ने सेम यही टॉपिक उठाया और इसमें से उसने एक क्वेश्चन उठा के हमें पीएमएस में
दे दिया कि आप इसको सॉल्व करें, तो आप इस बात की फिक्र ना करें कि पेपर जो है वो कहाँ से आया, वो एग्जैक्टली जो हमारे पास सिलेबस उन्होंने दिया है उसी को वो फॉलो करके कंप्यूटर साइंस का पेपर बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या लिखा हुआ है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ 5 डिवाइसेस दैट यूजेस एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल थ्योरेटिकल है, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। अभी हमने इसमें जो है वो हम देख लेते हैं कि इसमें जो वो कंप्यूटर सिस्टम है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है, इस तरह से डिफरेंट चीजें हैं। तो इसमें ये देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ये तो उन्होंने इसी ऑपरेटिंग सिस्टम वाले पार्ट में से उठा के एक क्वेश्चन बना दिया है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम के जो है वो टाइप्स लिख दें, ठीक है। इसी तरह आप लास्ट वाला देख ले, व्हाट आर मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस, गिव द नेम ऑफ 2 मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस। अब ये उन्होंने लैंग्वेजेस के बारे में हमसे पूछा है, तो सिलेबस में उन्होंने पहले पार्ट में हमें बताया हुआ है कि हमने जो है वो प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स वगैरह करनी है, इसके अंदर जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस भी आ जाती हैं, ग्राफिकल प्रोग्रामिंग की ये लैंग्वेजेस भी आ जाती हैं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली ये जो पहला पार्ट है ना, इसी को लेके वो चले हैं और इसी में से उन्होंने पहला क्वेश्चन हमें दे दिए। इस तरह से जैसे मैंने आपको क्वेश्चन एनालाइज करके दिखाया, आप इस तरह से डिफरेंट पेपर्स इसके डाउनलोड करें, पीएमएस के, अगर पीएमएस के नहीं भी तो आप सीएसएस के भी कर सकते हैं क्योंकि सिलेबस तो वही होता है ऑलमोस्ट। तो आप उसको देखें और उसके मुताबिक आप पेपर को एनालाइज करें कि ये एग्जैक्टली सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। अब हमने जो है वो सिर्फ इसको सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना होता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें देख ले, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। एक उन्होंने कोड लिखा हुआ है, आप यूज ऑफ कोड है, ठीक है, इसकी हमने आउटपुट उनको बता देनी है सिंपल। और इसके मार्क्स देख ले, उन्होंने 6 मार्क्स का ये वाला जो है वो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से इसका भी बी और सी पार्ट है। Which devices are used by AI agent for following purposes? ये different artificial intelligence का एक part इन्होंने दे दिया छोटा सा, ठीक है, वो 8 marks का। उसके बाद find the errors in the following, ये एक उन्होंने prototypes बनाई हुई है function की, इसमें हमने simple error find करना है। और जो इस तरह के question होते हैं, जो question number 2 है, as compared to बाकी के ज्यादा मार्क्स हमें देते हैं, क्योंकि ये आप ऐसे समझ ले कि सिंपल जैसे हम मैथ्स के क्वेश्चन करते हैं कि अगर वो हमारा सही हो गया तो फुल मार्क्स, उसमें मार्क्स करने का चांस नहीं होता। होता है वो ये होता है कि अगर हम फुल भी सही लिख दे फिर भी कहीं ना कहीं से वो एकदम निकल आती है और फुल मार्क्स हमें नहीं मिलते, लेकिन मैथ्स में मिल जाते हैं। तो इसी तरह से प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो हम अगर उसको बिल्कुल ठीक करेंगे तो इसमें कोई चांस ही नहीं है कि वो हमारे मार्क्स काटे, हमें फुल मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से सेकेंड पार्ट है। इसके अलावा अगर ये है पेपर 1 है, ठीक है, उसका पहला पार्ट था। अब ये देखिए ये पेपर 2 है, सॉरी पेपर 1 नहीं है, उसका जो स्क्रीन 2 है, मैंने बोला था ना टोटल 8 क्वेश्चन है, तो वो पीछे थे और ये बाकी ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें अब आप देख ले क्वेश्चन नंबर 3 है, ये डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन है। ये आप देख ले बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और बिल्कुल ही इजी सा क्वेश्चन है कि हमने कंपोनेंट्स बतानी है डेटा कम्युनिकेशन की। अगर किसी ने कंप्यूटर साइंस में ही पढ़ा हुआ है और वो फिर अब इस ऑप्शन जो है वो कंप्यूटर साइंस को ऑप्ट कर रहा है, तो उसको इसका आंसर आता हो कंपोनेंट्स कौन से होते हैं कंप्यूटर साइंस के, ठीक है। इसी तरह से आप लोग डिफरेंट पेपर एनालाइज कर सकते हैं। आप लोगों को यहाँ तक जाइए, मैंने क्या कहा है, अगर माइक ऑन होते हैं तो रिस्पॉन्स कर दें ताकि मुझे पता चले कि मेरी आवाज भी क्लियर है और स्क्रीन भी क्लियर है। यस मैम, आपकी आवाज, यस मैम आपकी आवाज आ रही है। ओके, हम आगे चलते हैं। अच्छा, इसके अलावा अब ये हमने सारा पहला पार्ट देख लिया, सेकंड पार्ट देखें, जो भी मैंने कंपोनेंट्स बताए थे वो इस वाले पार्ट में से है, कंप्यूटर कम्युनिकेशन और उसके नेटवर्क्स। तो ये जो कंप्यूटर कम्युनिकेशन है इसका पार्ट था कि वो हमने बताना था कि डेटा कम्युनिकेशन जो है वो उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये डीएलडी का एक पोर्शन है सारा, फिर ये सेक्शन सी है, इसमें डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ये है कि सारा सिलेबस, अब आप इसको देख सकते हैं कि ये काफी ज्यादा सारा सिलेबस है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्टिव तौर पर लेके चलेंगे। अब जैसे ये पेपर 2 है, ठीक है, इसमें भी ऐसे ही देख ले कि टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, उसके जो है वो टोटल ऐसे ही 3 सेक्शंस बने होते हैं, ए बी और सी। अब पहला सेक्शन है, उसमें उन्होंने दिया हुआ है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा
अगर आप लोगों ने पहले से पढ़ा हो अपनी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, अगर आप लोगों ने बीएससी वगैरह भी किया है तो तब भी आप लोगों को इसके रिलेटेड कुछ ना कुछ आइडिया होगा। इसके आगे अब ये इतने ज्यादा सारे टॉपिक्स लिखे हैं तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से टॉपिक्स सिलेक्ट करेंगे कि जो पास्ट पेपर्स हैं उनमें से वो किस किस टॉपिक से जो है वो ज्यादा पेपर्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो हम उसके अकॉर्डिंग इसको अपने साथ जो है वो लेके चलेंगे। नेक्स्ट उसका पार्ट है कंपाइलर थ्योरी एंड डिजाइन, ये पूरा का पूरा जो है वो कंपाइलर का एक सब्जेक्ट होता है जो हम पढ़ते हैं बीएस में, ठीक है, यूनिवर्सिटीज में हमें पढ़ाया जाता है। अब वो हम पढ़ते हैं टोटल 6 मंथ में। इन्होंने यहाँ पे पूरा सिलेबस एज अ होल उठा के दे दिया। इसी तरह से न्यूमेरिकल मेथड्स हैं, इसमें जो है वो मैथ्स के कुछ रूल्स होते हैं, डिफरेंट बुक्स हैं इसकी, वो भी मैं आप लोगों को बाद में सजेस्ट कर दूंगी कि आप लोगों ने कहाँ से उसको जो है वो पढ़ना है, ठीक है। डेटाबेस है, इसमें हम ये एंटिटी रिलेशनशिप वगैरह देखते हैं, मॉडलिंग देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डेटाबेस को क्रिएट किस तरह से किया जाता है। इसमें हम एसक्यूएल का जो है वो सारा बेसिक जो इसमें चीज आती है वो आती है एसक्यूएल के अंदर से, रिलेशनल डेटाबेस वगैरह में, कि एसक्यूएल के कुछ कमांड्स वो दे देता है हमें पेपर में, या फिर वो हमें दे देते हैं जो डेटाबेस की नॉर्मल फॉर्म्स होती है। नॉर्मल फॉर्म्स ये आप लोगों ने सेकेंड ईयर की बुक में ये है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो है वो इंटरमीडिएट में ये वाला पूरा टॉपिक था, ठीक है। इसके बाद ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, तो जो फर्स्ट वाला पार्ट था बिल्कुल पेपर वन में जो पहला पार्ट था उसमें यही सारी चीजें थी, लेकिन जस्ट डेफिनेशन की हद तक। और अब आगे इन्होंने इसी चीज को मजीद इलेबोरेट करके लिख दिया है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है तो उसमें आपने डिफरेंट ये चीजें देखनी है सारी, ठीक है। इसमें भी कुछ चीजें जो है वो थियोरेटिकल हैं, कुछ हमें जो है वो एक कंसेप्चुअली समझना पड़ेगा। जैसे अब ये सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन वैलिडेशन है, ये जस्ट थियोरेटिकल है, हम इसको देख लेंगे कि ये किस तरह से होता है। ये कुछ चीजें हैं टेक्निक्स जो है वो इवेलुएट करने के लिए सॉफ्टवेयर की करेक्टनेस के लिए, एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, इस तरह से ये चीजें जो है वो ज्यादातर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो मोस्टली थ्योरेटिकल पार्ट में आपका इंक्लूड होगा, ठीक है। उसके बाद सेक्शन सी भी जो है वो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसमें वो बहुत ज्यादा डीपली तो नहीं जाते क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक बहुत बड़ी एक वास्ट फील्ड है ना, तो इसमें जो है वो थोड़ा ऊपर ऊपर से ही क्वेश्चनिंग करते हैं बेसिक बेसिक चीजों की। इसमें जो है वो मेन चीजें जो है वो याद रहती हैं, सर्चिंग के जो टाइप्स हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेड फर्स्ट सर्च, बेस्ट फर्स्ट सर्च, मैक्सिमम सर्च, इस तरह से ये डिफरेंट चीजें बेसिक जो है ना हम उस वहां तक जो है वो इसको रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो कंप्यूटर ग्राफिक्स है उसमें जो है वो इसी तरह से है कि हम इसमें डिफरेंट चीजें देखेंगे, जैसे रास्टर डिस्प्ले, पैनिंग और जूमिंग, सेगमेंटेशन इसमें आती है, ठीक है। उसमें हम थोड़े से इसके रास्टर के जो एल्गोरिथम्स हैं उसको देख लेंगे, जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स में उसको जो है वो हम इसमें देख लेते हैं, ठीक है। तो ये मतलब कि ओवरऑल सिलेबस है कंप्यूटर साइंस का, पीएमएस वालों की तरफ से है ये। सीएसएस का इस तरह से होता है लेकिन थोड़ी सी जो है वो तरतीब उनकी चेंज हुई हुई होती है, लेकिन इनकी जो है वो तरतीब कुछ इस तरह से है। ये इन्होंने इस बार अब न्यू सिलेबस जो है वो ना इंट्रोड्यूस करवाया है, लेकिन ये है कि पीएमएस का जो पेपर होता है वो एज कम्पेयर टू सीएसएस थोड़ा ईजी आता है जो एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक, ठीक है। तो हम जो है वो इस तरह से आप लोग ये कर सकते हैं कि आप लोग जैसे मैंने आप लोगों को 2021 का ये वाला पेपर दिखाया, ठीक है, अब आप लोग को अपनी तरह से कुछ ना कुछ अंदाजा हो गया होगा कि हमें कितना आता है, हमने कितना जो है वो यूनिवर्सिटी वगैरह में 4 साल पढ़ा है। इस तरह से अब आप लोगों ने करना ये है कि डिफरेंट आप लोग गूगल पर जाए, ठीक है, और वहां से आप लोग सर्च करें पास्ट पेपर्स कंप्यूटर साइंस के, और उसको जो है वो एनालाइज करें अपने तौर पे, आप एनालाइज करें कि हमें इसमें से कितना आता है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनकी हमें समझ है, कौन कौन से ऐसे हैं जो हमें बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है, ठीक है। अगर आप लोग क्लास ज्वाइन करते हैं तो हम क्योंकि कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप इसको ऐसे नहीं कह सकते कि मैं खुद जो है वो घर पे अकेला बैठूं और इसको जो है वो पढ़ लूं, ठीक है। इसको अगर हम कोई भी चीज होती है जब हम वो आपस में डिस्कस करके पढ़ते हैं ना तो वो हमें ज्यादा समझ आती है, वो हमारे माइंड में ज्यादा अच्छे से रह जाती है, ठीक है। तो यही है कि अगर आप लोग क्लास ज्वाइन करते हैं, ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो विलिंग होते हैं, उन्होंने ऑप्ट किया हो कंप्यूटर साइंस,
तो हम इकट्ठे जो है वो इस चीज को लेके चलेंगे, इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रॉपर जो है वो प्रिपरेशन करेंगे। सुनने में तो यही आया है कि नेक्स्ट मंथ जो है वो पीएमएस कंडक्ट करेगी एग्जाम, लेकिन इन केस के ये मतलब एक फिक्स तो वैसे भी नहीं है, डेट्स जो है वो चेंज होती रहती हैं, तो अगर तो डेट आगे बढ़ जाए, होप तो कि आगे डेट बढ़ जाएगी तो, लेकिन अगर डेट नहीं भी बढ़ती तो हम जो हमारे पास ये थोड़ा सा टाइम होगा दरमियान में मैक्सिमम 1 मंथ या 1 मंथ 10 डेज का, तो हम इसमें अपने सिलेबस को इस तरह से अरेंज कर लेंगे कि हम जो है वो इस सिलेबस को कवर कर लें, एटलीस्ट इतना कवर कर लें कि हम सिलेबस पे जो है वो पेपर पे हमारी अच्छी तरह से ग्रिप हो जाए, एटलीस्ट हम उसको पास तो जरूर कर ही लें। ठीक है, इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट अच्छे मार्क्स की तरफ भी हम जरूर जाएंगे। ठीक है, तो हम जो अपना टॉपिक है वो कल से ही स्टार्ट करेंगे, कल से या जब भी स्टूडेंट्स जो है वो एग्री हो, उनको मतलब सारे स्टूडेंट्स किसी एक टाइम पे एग्री करें, तो हम तब जो है वो अपना सिलेबस जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग इतना ही करें कि जो थ्योरी का पार्ट है सारा, जो भी मैंने आप लोगों को पूरा सिलेबस दिखाया, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग थ्योरेटिकल को एटलीस्ट अपने तौर पे क्लियर रखें, क्योंकि डेफिनेशंस तो एज सच आपकी यही है ना कि आप उसको याद कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है सारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग वाला, इस सब को आप ऐसे कर सकते हैं कि आप अपने माइंड में इनको फिक्स कर लें। कुछ डेफिनेशंस रहे, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है, इसको आप सारा देख लें, वन फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन इसको आप देख लें सारा। ठीक है, इसके अलावा आप प्रोग्रामिंग में जितनी भी टर्म्स यूज होती हैं, बेसिक डेफिनेशंस होती हैं, आप उनको अच्छी तरह से अपने माइंड में फिक्स कर लें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ टर्म्स होती हैं जैसे एजेंट हो गया, इस तरह से आप टर्म्स उनको यूज कर लें, उनको आप अच्छी तरह से जो है वो देख लें। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो टर्म्स होती हैं आप उनको देख लें, सॉफ्टवेयर की टाइप्स होती हैं, ठीक है, वो तो बेसिक बेसिक बिल्कुल चीजें हैं, तो इन सब को जो है वो आप पहले अपने माइंड में क्लियर कर लें, और उसके बाद जो बेसिक चीजें होती हैं जो समझने वाली होती हैं वाकई में, जैसे कि डीएलडी की भी कुछ चीजें हैं, कुछ नहीं बल्कि उसमें से काफी चीजें हैं कि जो हमें समझने की जरूरत है, उसमें जो है वो मिन टर्म है, मैक्स टर्म है, ठीक है, इस तरह से उसमें वो हमें क्वेश्चन दे देता है कि आपने जो है वो टेबल बनाना है मेन टर्म का या मैक्स टर्म का, या वो हमें किसी एक टर्म में जो है वो क्वेश्चन दे देता है, वो हमें कहता है कि तो आप नॉर्मलाइज करके दिखाएं, तो इस तरह के जो है वो डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास मेरा ख्याल है यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है सर आमिर, ओके सर, एंड कर ओके सर, एंड कर। कल की क्लास होगी कल की आपकी? क्लास होगी आपकी? मेरी हाँ जी ठीक आवाज है, मुझे जी जी आ रही है आपकी आवाज। कल की क्लास भी आपकी जो है ना, कल की क्लास भी आपकी जो है ना, 10 बजे की? अच्छा ठीक है सर, ओके 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 सर। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर आप फर्दर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस की, तो जो है ना आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर देंगे अपना नाम, अपना क्वालिफिकेशन, और अपने जो ऑप्शनल्स और कंपलसरी जो जो भी आपने चूज किए हुए हैं ऑप्शनल्स, वो सारे लिख कर मुझे सेंड कर दें इनबॉक्स में, ठीक है? और अगर आप पेड सेशन में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो भी मुझे इन्फॉर्म कर देंगे ग्रुप के अंदर। ग्रुप के अंदर तो ग्रुप में तो प्राइवेसी लगी हुई है, आप जो है ना मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर देंगे, ठीक है? अरसलान, हसनैन, हैदर, जो भी और लोग हैं यहाँ पे, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अभी आपकी जो है ना जनरल साइंस एंड एबिलिटी की क्लास स्टार्ट होने वाली है 10 बजे।